अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हम जनरल साइंसिबिलिटी में जो जनरल साइंस का पोर्शन है और उसमें स्पेसिफिकली जो हमारा फिज़िकल साइंस का पोर्शन है उसमें हम फर्स्ट लेक्चर इस पे अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने यूनिवर्स के ओरिजिन और फ्यूचर की बात की थी। वहाँ पे मैंने जानबूझ के वहाँ पे स्ट्रक्चर की बात नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स हिस्सा है यूनिवर्स का, जो हमारा कंप्लीट टॉपिक था। लेकिन मैंने इसको अलग से डिस्कस करने का इसलिए सोचा क्योंकि इसमें दो इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं, जिनमें एक डार्क मैटर है और दूसरी डार्क एनर्जी है। और ये दोनों जो हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है SCSS के पेपर में 2018 में कि एक्सप्लेन द टर्म्स डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। तो इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें बिग बैंग पे क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस लेक्चर को फुली वॉच किया होगा, एंजॉय किया होगा। और एक बात जो मैं कहना भूल गया था कि अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब जो है वो सीखने के मराहिल से गुजर रहे हैं, हम सब मिल के सीखेंगे। तो अगर किसी के माइंड में कोई सजेशन है और या कुछ वो इस वीडियो में, इस लेक्चर में मतलब कुछ एडिशन करवाना चाहता है, तो वो कमेंट में उसका इजहार कर सकता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। अगर ये लेक्चर्स आपको, ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ हम कुछ और भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आपकी जो सपोर्ट है उसके साथ ही इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। जैसे कि यूनिवर्स के ओरिजिन में मैंने आपसे एक बात शेयर की थी स्टीफन हॉकिंग की, अगर आपको याद हो कि उसने क्या कहा था कि जो इस यूनिवर्स को, इस एजेंसी को, इस सब कुछ को क्रिएट करने वाला है वो फॉर एवर एग्जिस्टेड है और उसे क्रिएट होने की कोई ज़रूरत है नहीं है। इसलिए मैं आज एक नेक्स्ट इस लेक्चर से रिलेटेड आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि मोर इज़ अननोन देन इज़ नोन। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हाइपोथेटिकल हैं, इस पर कोई अभी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इनकी नहीं हुई, तो इसलिए हम कहते हैं कि मोर इज़ अननोन देन इज़ नोन। जो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं जानते। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो तीन चीज़ों से मिलके यूनिवर्स बनी है, ठीक है। उन तीन चीज़ों में एक है आपका ऑर्डिनरी मैटर, आप इसको नॉर्मल मैटर भी आपको कहीं मिलेगा, ऑर्डिनरी मैटर, ठीक है। एक है आपका ऑर्डिनरी मैटर, ये यूनिवर्स के स्ट्रक्चर की कंस्टिट्यूएंट्स की बात कर रहा हूँ। एक है आपका डार्क मैटर, और लास्ट वन है डार्क एनर्जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम डार्क एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो हमने इसका जो है वो फील लाने की कोशिश करनी है, ताकि हमें बात समझ आ जाए। हमारा ये थीसिस में तो है, हम इस पे थीसिस तो लिख नहीं रहे कि हम बिल्कुल बेसिक में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, और गहराई में तो अभी साइंटिस्ट भी नहीं जा सके। हम इसको फील लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ऑर्डिनरी मैटर तो वेरी सिंपल है और ये 5% है आउट ऑफ 100% जो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स है। अब ऑर्डिनरी मैटर तो वेरी सिंपल है, जो नॉर्मल मैटर है, जो चीज़ आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सेंस में ला सकते हैं। तो हर चीज़ मैटर है, जो आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ मौजूद है वो हर चीज़ मैटर है। अच्छा जी,
आज जो हमारा बेसिक होगा जिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे वो है डार्क मैटर। अच्छा, आप देखना ये है कि डार्क मैटर है क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने इसको डिवाइड किया है समझने के लिए, ताकि ये सारा प्लेन वे हो तो कोई बात भी मिस है ना हो। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा, और मुझे अभी याद आ गया तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। नोट्स जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके नोट्स कुछ यूँ हैं। अच्छा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने की है, अगर आप ये भी देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि ये थोड़ा जल्दी जल्दी मैं दिखा दूंगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ सिंगुलैरिटी से मैंने स्टार्ट किया, आप एरो के साथ साथ चलते जाएंगे, तो सिंगुलैरिटी से मैंने स्टार्ट करके इसको लास्ट जो है बिग क्रंच पे आके छोड़ा है। बिग क्रंच जो मैंने बात की थी सिंगुल वो साइक्लिक प्रोसेस की, तो ये बिग क्रंच तक मैंने इसको ला के छोड़ा है। ये आप यहाँ पॉज करके इस वेन डायग्राम मैंने इसकी बनाई है फ्लो चार्ट की फॉर्म में। अच्छा जी, ये हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स ऊपर नीचे हैं, तरतीब से तो इतना ख़ास नहीं है। तो ये यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, और ये किस किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, क्योंकि तो उस लेक्चर में तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ के नहीं सुना सकते। कॉस्मोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, और ये सारी चीज़ें जो है ये स्टीफन हॉकिंग का हवाला यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये पेज है इसका, ये आपने इसको पॉज करके जल्दी जल्दी जो है ये राइट कर लेना है, ताकि ये नोट्स रह गए थे और मैं ये सोच रहा था कि सारे व्यूवर्स यही कहेंगे कि कह रहे थे कि लास्ट में आपसे शेयर किए जाएंगे, लेकिन फिर जो है उस बात पे अमल नहीं हो सका, ठीक है, तो किसी वजह से वो वीडियो कट गई थी, ठीक है, तो फिर मैंने कोशिश नहीं की। तो ये हमारे जो है यहाँ से इसका फ्यूचर स्टार्ट हो रहा है, तो फ्यूचर के बाद ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे एंड हो गया, और यहाँ तक हमने यूनिवर्स तक ये जो है वो कवर किया था। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डार्क मैटर की। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि विजिबल और इनविजिबल में फ़र्क क्या है। अच्छा, ये अपना आज एक कंसेप्ट क्लियर कर लें कि कौन सी चीज़ें हमें विजिबल होती हैं और कौन सी चीज़ें इनविजिबल होती हैं। देखें, यहाँ पे एक रूम है और उसमें आप हैं, एक रूम है और उसमें आप खड़े हैं, तो यहाँ पे आप मौजूद हैं, ठीक है, और इस रूम में फुल अंधेरा है। आपका भाई, आपका अब्बू, आपकी बहन, सिस्टर जो है, अगर वो बाहर से आपको देखना चाहें तो आपको नहीं देख सकते, क्योंकि आप किस में हैं, फुल है डार्कनेस में हैं, आप अंधेरे में हैं। तो देखें, अंधेरे में आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या है? देखें, कोई भी चीज़ विजिबल तब होती है जब उसके ऊपर लाइट आके पड़े। आप पे लाइट तो पड़ नहीं रही, और लाइट पड़ने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसकी आईज में जाए, यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसकी जो आई है उसमें जाए, तो तब वो चीज़ दिखाई देती है। तो इस बात से हमें एक अंदाज़ा हो गया कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। पहला पॉइंट, हम सिर्फ उन चीज़ों को देख सकते हैं, वी कैन सी ओनली दोज थिंग्स विच रिफ्लेक्ट्स दी रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करें वो चीज़ें हमें विजिबल है हो जाती हैं। अच्छा, तो ये इसमें फिर आपका ये आ जाएगा नॉर्मल मैटर। नॉर्मल मैटर जो है ये क्या करता है, इसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, तो ये हमें इसलिए कायनात में जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं ये इस फिनोमिना की वजह से दिखाई देती हैं। और एक और बात भी क्लियर करता जाऊं कि जो कलर हमें दिखाई देता है, लेट सपोज आपको एक चीज़ जो है वो रेड दिखाई दे रही है, एक चीज़ आपको ब्लू दिखाई दे रही है, एक आपको कोई और कलर ब्राउन दिखाई, इसका मतलब ये है कि जब देखिए ये लाइट
कि रे पड़ती है ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, इसका मतलब है दोनों चीज़ें, अब्जॉर्प्शन भी और रिफ्लेक्शन भी। अब जो लाइट का जो पोर्शन, जो जो कलर, अब देखें लाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, तो लाइट का जो पोर्शन यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा वो आपको कलर दिखाई नहीं देगा, और जो कलर रिफ्लेक्ट होगा वो ही आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपको जो है वो रेड दिखाई देती है, तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो लाइट जो उसके ऊपर पड़ रही है उसके बाकी जो कलर हैं उनको ऑब्जॉर्ब करती है और रेड को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ आ गई। अच्छा, इनविजिबल क्या होगा? यही बात है कि लाइट गई, रिफ्लेक्ट ही नहीं होती। रिफ्लेक्ट तो होगी जब इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन ही नहीं होती, वो पास कर जाती है, ना ही अब्जॉर्ब होती है और ना ही एंटी मैटर, सॉरी डार्क मैटर के केस में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, वो पास कर जाती है, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्शन अब्जॉर्प्शन तब होती है जब दो चीज़ों की आपस में इंटरेक्शन हो। इस केस में तो इंटरेक्शन ही नहीं होती, इसलिए इस केस में जो डार्क मैटर का केस है, इस केस में नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन, इस केस में कोई इंटरेक्शन है नहीं होती, और इंटरेक्शन ना होने की वजह से कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं होती। ठीक है, लाइट की, सॉरी लाइट की कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं होती, और जब रिफ्लेक्शन नहीं होती तो हमें ये एंटी मैटर जो है ये दिखाई भी नहीं, हम इसको देख है नहीं सकते, वी कैन नॉट सी इट। ठीक है, तो रीज़न क्या है ना देखने की, वो आपके सामने क्लियर होगी। पहली बात, ये दिखाई नहीं देता। अच्छा, दिखाई नहीं देता, चले ठीक है आगे चलते हैं। ये बना हुआ किस चीज़ से? अब देखें, मैंने दूसरी हेडिंग यहाँ पे लगाई है कंपोजिशन की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो वॉच करने के बाद आपको कोई नोट्स बनाने की टेंशन है नहीं होगी। अच्छा जी, ब्रियॉन, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये ब्रियॉन से मिलके बना है, तो अगर ब्रियॉन से मिलके बनता तो ब्रियॉन के अंदर तो आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और है न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और है न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर ये इससे मिलके बनता तो ये तो पार्टिकल है, और पार्टिकल क्या करता है, ये इनर्जी मीन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आपने यहाँ पे देखा इसने कोई अब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन है नहीं की, नो रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो नो रिफ्लेक्शन, नो अब्जॉर्प्शन, जब इसने यहाँ पे एब्जॉर्ब की ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये बरियोन से मिलके बना नहीं है, तो इसका मतलब ये बात गलत होगी। अच्छा जी, फिर बरियोन से मिलके नहीं बना तो फिर मैटर या एंटी मैटर से मिलके बना होगा। अब ये क्या होता है, जिनकी जिनके जो इस टर्म से वाकिफ़ नहीं है वो देखें, ये मैटर और एंटी मैटर कंसेप्ट क्या है। देखिए, जब कायनात में चीज़ें वजूद में आना शुरू हुई तो दोनों पेयर आए, एक मैटर एक एंटी मैटर। कैसे? लेट सपोज इलेक्ट्रॉन आया तो उसका एंटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आया तो उसके एंटी प्रोटॉन, तो ये चीज़ें आई। कहते हैं अगर इनसे मिलके बनता तो ये जब आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये तो रेडिएशन इमिट करते हैं, ये क्या करते हैं, रेडिएशंस है इमिट करते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में हम कोई रेडिएशन डिटेक्ट ही नहीं करते, ये तो कुछ भी नहीं करता, ये रेडिएशन डिफ्लेक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये मैटर और एंटी मैटर से मिलके बना नहीं है। तो फिर भाई ये क्या बला है जो इन किसी चीज़ से मिलके नहीं बना, कुछ करता ही नहीं है, तो फिर हमें इसकी एग्जिस्टेंस का, इसकी प्रेजेंस का, इसकी होने का पता कैसे चला? इट इज़ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है ना कि हाउ वी ऑब्जर्व डार्क मैटर, फिर हमने इसको ऑब्जर्व कैसे किया। ठीक है, ऑब्जर्व किया हमने दो तीन तरीकों से, क्योंकि ये इसके बारे में तो हमें पता चल नहीं सका, ना ही नज़र आता है
ना ही इसकी कंपोजिशन क्लियर है। ठीक है, तो ऑब्जर्व किया हमने इसके इन्फ्लुएंस से, क्या मतलब है कि ऐसे ऐसे काम हो रहे थे जहाँ पे मैटर का होना ज़रूरी था लेकिन वहाँ पे मैटर मौजूद नहीं था, वहाँ पे मैटर हमें दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसके असरात मौजूद थे बट ये वहाँ पे नहीं था। तो जब ये नहीं था तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये यही है, वहाँ पे मैटर का होना ज़रूरी था बट नज़र नहीं आ रहा था, नज़र नहीं आ रहा था तो फिर यही डार्क मैटर होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट इसका, इन्फ्लुएंस से हमें पता कैसे चला। अब देखें, अच्छा एक बात शायद मैं आपको बताना भूल गया, डार्क मैटर जो होता है ये 27% अर्थ का और ये 68%। ठीक है, तो ये बात। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये क्या कंसेप्ट है, अब इसको ज़रा गौर से समझना। अच्छा देखिए, जो गैलेक्सीज मूव कर रही थी ना, अब गैलेक्सीज होती क्या है, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। स्टार्स मिल के जब स्टार्स कंबाइन होते हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, तो वो क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। स्टार्स क्या होते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो स्टार मिलके गैलेक्सीज बनाते हैं। अब स्टार क्या कर रहे होते हैं, स्टार है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन गैलेक्सीज में रिवॉल्व कर रही हैं, इन गैलेक्सीज में रिवॉल्व कर रही हैं, स्पिन कर रही हैं। अच्छा फिर हुआ क्या कि अब होता ये है, जो हमारे पास फितरत है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एटम है, न्यूक्लियस है, इसके बाहर ऑर्बिट्स हैं, तो होता ये है कि जो नज़दीकी ऑर्बिट्स होते हैं ना उनके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा स्पीड से मूव है कर सकते हैं, बट जो बाहर होते हैं वो ज़्यादा स्पीड से मूव है नहीं करते। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि अगर वो ज़्यादा से देखें जो दूर है उस पे, इस जैसे देखें इस न्यूक्लियस, हम एग्जाम्पल से बात को समझने की कोशिश करेंगे। अब इस न्यूक्लियस की पुल जो दूर है इलेक्ट्रॉन उन पे कम होगी, इसकी पुल दूर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या होगी, कम होगी। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन स्पीड से मूव करना शुरू कर दे, वो तो ये न्यूक्लियस ही छोड़ देगा, और न्यूक्लियस छोड़ के जो है वो अपने ऑर्बिट से ही निकल जाएगा। अब ऐसा ही कुछ इधर हो रहा था कि गैलेक्सीज में जो बॉडीज़ रिवॉल्व कर रही हैं उनको भी ऐसे ही करना चाहिए कि जो नज़दीक हैं, जो सेंटर के नज़दीक हैं, वो ज़्यादा स्पीड से मूव करें, और जो आउटर ऑर्बिट में हैं, जो बाहर वाली साइड पे हैं, वो स्लो मूव करें, ताकि ऐसा ना हो कि वो अपना जो गैलेक्सी है उसका हिस्सा ही जो है वो ना बने और उसको छोड़ के वो अलहदा हो जाएं। तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमने, साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये देखा कि ये जो बाहर वाले हैं ना, इनकी भी स्पीड वही है जो अंदर वालों की है, तो ये पॉसिबल ही नहीं था, ये पॉसिबल ही नहीं था। कि देखिए नेचर जो हमें समझाती है वो ये है कि देखिए जब कोई चीज़ दूर चली जाती है मरकज से तो उस पर अट्रैक्शन की फोर्स कम होती जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर अब वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल, तो फिर क्या होगा, वो तो ऑर्बिट ही छोड़ देंगे। तो ऐसा यहाँ पे था कि ये जो दोनों चीज़ें थी ना, ये मरकज़ और आउटर वाली चीज़ें, इन दोनों की स्पीड सेम थी, इन दोनों की स्पीड सेम होने की वजह से अब ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि अगर स्पीड सेम है तो यहाँ पे मौजूद स्टार है या कोई और बॉडी है क्लेस्टिल, उसको ये ऑर्बिट छोड़ देना चाहिए, गैलेक्सी का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत है, ज़्यादा है, लेकिन ये इसका हिस्सा है और इसी के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फिर यहाँ कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो इसमें और इसमें अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही है, जो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और उस चीज़ को साइंटिस्ट ने नाम दिया किसका, डार्क है मैटर का। अब मैंने अभी आपको क्या बोला था कि हम इसको ना देख सकते हैं ना हमें पता है ये क्या बला है, ठीक है,
इसका नहीं पता, लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैटर का होना ज़रूरी है। देखिए अट्रैक्शन होती है मैटर के दरमियान, मैटर के पार्टिकल के दरमियान, मैटर के एटम्स के दरमियान। अब जब यहाँ अगर मैटर नहीं है और स्पेस है, यहाँ पे मैटर नहीं है और स्पेस है, तो फिर अगर मैटर यहाँ पे नहीं है तो फिर इसको इस स्पीड से मूव नहीं करना चाहिए, और अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ है, और अगर कुछ है और वो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, इसका मतलब है वो क्या है, डार्क मैटर। इसके बारे में आइंस्टाइन भी कह चुके हैं कि जो स्पेस होती है वो खाली नहीं है, स्पेस इज नॉट एम्प्टी, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो वो बात भी इस दलील है ये इसकी कि वहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब डार्क मैटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है नहीं रहेगा, अनक्लियर नहीं रहेगा मैस इफेक्ट क्या है। कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने किसी गैलेक्सी का उसकी स्पीड के हिसाब से हमने उसका मैस मेजर किया। हमने क्या किया, उसका उसकी स्पीड, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करके हमने क्या किया, उसका मैस मेजर किया। अब जो मैस मेजर किया, जिसको हम कैलकुलेटेड मैस कहेंगे, और जो उसका एक्चुअल मैस था, देखिए कोई भी बॉडी किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एक प्रॉपर फिक्स्ड मैस चाहिए कि इतनी स्पीड वाला जो बॉडी है उसका इतना मैस होना चाहिए, तब ही वो उस ऑर्बिट में रह सकता है, अदरवाइज वो उस ऑर्बिट में रहेगा नहीं। तो जब इस गैलेक्सी का मैस मेजर किया गया, उसको हमने नाम दिया कैलकुलेटेड मैस। किसका मैस नाम दिया, कैलकुलेटेड है मैस। तो वो जो कैलकुलेटेड मैस था, इसको ऑब्जर्व्ड मैस भी कह सकते हैं, और एक उसका एक्चुअल मैस जो होना चाहिए था, एक्चुअल मैस, हमने देखा ये कि इस एक्चुअल और कैलकुलेटेड में फ़र्क है। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो कैलकुलेटेड या ऑब्जर्व्ड मैस है, ये एक्चुअल से बहुत कम है, एक्चुअल से बहुत कम है। मैंने अभी आपको कहा कि इस बॉडी को रिवॉल्व करने के लिए क्या होगा, एक फिक्स्ड मैस चाहिए, इतने मैस वाला बॉडी इतनी स्पीड से रिवॉल्व कर सकता है, तो अगर इसका मैस कम है तो उतनी स्पीड पे ये रिवॉल्व कैसे कर रहा है। बात नहीं समझी आप, कि अगर इसका मैस, एक्चुअल मैस ज़्यादा है, ऑब्जर्व्ड कम है, तो फिर एक्चुअल वाली स्पीड से ये क्यों मूव कर रहा है। इसका मतलब है जो हमने ऑब्जर्व किया है इसमें कोई चीज़ मिस है, इसको मैस डिफेक्ट कहते हैं, या क्योंकि मैस डिफेक्ट क्या है, ये जो ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल मैस में डिफरेंस है। लेट सपोज ये है 40, एक्चुअल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 20, तो 40 माइनस 20, इसका मतलब है यहाँ पे जो मैस डिफेक्ट है वो 20 kg का है, और इसको बोलते हैं मिसिंग मैस। इसको क्या बोलते हैं, मिसिंग मैस। और ये जो मिसिंग मैस है, इसको नाम दिया किसका, डार्क मैटर का। बात समझ गए होंगे आप कि इस इन दो एग्जाम्पल से, इन दो इन्फ्लुएंस जो हमने देखा, इससे मैंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि वाकई कन्फर्म है, हम इसको अभी तक देख नहीं सके, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सके, इसकी हम कंपोजिशन के बारे में पता नहीं लगा सके, लेकिन इसकी इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस, वो 1/4 ऑफ होल यूनिवर्स मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात है कि ये मिसिंग मैस क्या है, डार्क मैटर है। तो जिस चीज़ को हम देख नहीं पा रहे और उसकी एग्जिस्टेंस है, इट मीन्स वो डार्क मैटर है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप बात को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अच्छा जी, इसके बाद दूसरी बात। अच्छा जी, मैंने अभी आपसे कहा, अच्छा एक तो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, एक है इफेक्ट, असर बाकायदा तौर पे। इफेक्ट, इफेक्ट कौन सा है, इफेक्ट ये है कि अगर ये मैस है, अगर ये डार्क मैटर, इसका मैस तो है ना, डार्क मैटर अगर इसका मैस है, इसका मतलब क्या है,
कि अगर इसका मैस है तो इसकी ग्रेविटी भी होगी, क्योंकि जिस बॉडी के पास मैस होता है उसकी ग्रेविटी होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ इसके करीब से गुजरेगी तो ये क्या, बल्कि दूर से भी गुजरेगी, तो ऐसे ऐसे जाना चाहिए इतना सीधे स्लाइड को, ऐसे हो जाएगी, ये देखिए ऐसे। हालांकि इसका ओरिजिनल पाथ ये था, ओरिजिनल पाथ है ये है, ये इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था। तो हमने काफ़ी दफ़ा साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि लाइट आती आती क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। एक्चुअल पाथ ये है, एक्चुअल पाथ है ये है, और ये है ऑब्जर्व्ड पाथ। इसका मतलब क्या है कि साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ पे लाइट डिफ्लेक्ट हो रही है, भाई लाइट डिफ्लेक्ट हो रही है तो वहाँ किसी चीज़ का ये लाइट सोर्स है, यहाँ पे लाइट सोर्स है, दिखाई दे रहा है आपको, लाइट सोर्स है। तो अब साइंटिस्ट ने ये देखा कि यहाँ पे लाइट सोर्स तो है, एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, ऑब्जर्व यहाँ पे आके हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ मौजूद है जो क्या कर रहा है, इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर रहा है। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है मोड़ देना, थोड़ा सा मोड़ देना, उसके उसमें बेंड लेके आना। तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है इसका मतलब हेयर मैस एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ है और उस चीज़ को हम देख नहीं रहे, उस चीज़ वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है डार्क मैटर। तो मैंने इन दो तीन एक्सपेरिमेंट से, तीन ऑब्जर्वेशन से मैंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये बात तस्लीम करते हैं हम। मैंने शुरू में कहा कि मोर अननोन, हमारे पास जो चीज़ हम जानते हैं ठीक है, कि मोर इज़ अननोन देन इज़ नोन, वो बात एग्जैक्ट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसके बारे में जो हमें पता नहीं है, अभी अभी हमें इसको जान नहीं पाए, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। इसका मतलब ये इसको जान नहीं पाए, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब ये कि ये मौजूद है हम, लेकिन हम इसको जो है वो इसकी खोज लगाने में कासिर हैं, इसकी एग्जिस्टेंस ये इस बात की, तीनों ऑब्जर्वेशन इस बात की दलील है कि एग्जिस्ट करता है ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारे पास इसके इफेक्ट्स हो गए। अच्छा जी, अब एफर्ट कौन कौन से हम कर रहे हैं इसको डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया कि हमने अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं, क्या करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए। कि देखिए हम डिटेक्ट ये करना चाह रहे हैं कि जब दो एंटी मैटर, सॉरी दो डार्क मैटर मिलते होंगे, दो डार्क मैटर, चलो मैटर के साथ नहीं, तो डार्क मैटर जब आपस में मिलेंगे, डार्क मैटर किसके साथ, डार्क मैटर के साथ, क्योंकि ये तो 27% जो है यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो डार्क मैटर के साथ जब मिलेंगी तो यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होगी, जैसे हमारे पास मैटर के केस में एनर्जी रिलीज होती है, पार्टिकल कोलाइड करते एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको हम बोलेंगे डार्क एनर्जी, इसको हम क्या बोलेंगे, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी पे हम आगे बड़ी तफसीली बात करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए ये हमने 2011 में एक अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर लगा दी है, इसने थाउजेंड्स ऑफ रेडिएशन तो डिटेक्ट कर ली है, बट अभी डार्क मैटर को डिटेक्ट है ये नहीं कर सका। अच्छा जी, दूसरी एक बात ये हम देख रहे हैं कि हम ऐसा हो कि हम खुद से इसको क्रिएट कर लें, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ तक शायद हम पहुंच जाएं, इसको खुद से बना के फिर इसको स्टडी करें। तो उसके लिए हम इसकी इंटरेक्शन करवाने जा रहे हैं मैटर की। तो हम मैटर को, हाई स्पीड मैटर को, जब मैटर के साथ कोलाइड करेंगे, मैटर के को मैटर के साथ बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे जब इसको कोलाइड करेंगे, तो कहते हैं शायद, शायद एग्जैक्ट 100% नहीं कह रहा, कि शायद हो सकता है कि यहाँ से एक एनर्जी निकले और वो एनर्जी जो है वो डार्क मैटर। ठीक है, तो ये था डार्क मैटर।
तो यहाँ से जो एनर्जी निकले वो डार्क मैटर हो, और उसके लिए हमने लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर जो है वो बना लिया है जुनेवा में। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे जो है दो मैटर्स को कोलाइड करवाएगा, और उससे शायद हमें डार्क मैटर मिल जाए। तो इस पे हम एफर्ट कर रहे हैं। और तीसरा जो इसको डिटेक्ट करने का है वो है वेट, जो ख़तरनाक है कि हम वेट करें कि हो सकता है कि हम किसी रिजल्ट पे पहुंच जाएं कि हमें डार्क मैटर का पता चल जाए। अब हो सकता है मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं कहीं पे, आगे पीछे हमारी साइड पे, बाएं दाएं साइड पे डार्क मैटर मौजूद हो, लेकिन हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितनी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं ये आप वन बाय वन अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड के साथ, क्योंकि नॉलेज इज़ वर्चू। जो चीज़ आप शेयर करते हैं ऐसे समझिए आप नेकी का काम कर रहे हैं। और आपको कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है या सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसको रिस्पांस करूँगा। और हम सारे ही सीखने के अमल में से गुजर रहे हैं, तो हम सीखेंगे इंशाल्लाह, और हम डिस्कशन से सीखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।